आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो शायद किसी ने आपको आज तक नहीं बताई है। देखिए, मोटापा बढ़ने के पीछे असली कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले जो भी व्यक्ति मोटा है, जिसका पेट बहुत ज्यादा मोटा है, सबसे पहले उसके साथ में क्या होगा, कब होगा, जब वो बिल्कुल पतला था, पहले उसके पेट में गैस बनना शुरू होगी गलत खान पान की वजह से। और जब गैस धीरे धीरे पेट के अंदर में जमा होना शुरू होगी तो आंतों को और अंदर के सिस्टम को प्रभावित करेगी, इफेक्ट करेगी। इससे क्या होगा, इससे आपको खाना पचने में दिक्कत आएगी और मल पास करने में दिक्कत आएगी। यानी क्या होगा, कब्ज होगा। कब्ज यानी जहां गैस होगा वहां पे कब्ज भी होगा, ये चीज आप नोटिस करेगा। अब दूसरी चीज दोस्तों, जब कब्ज होना शुरू हो गई है और गैस का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, तो ऐसे में आपके अंदर आंतों के अंदर में जो डस्ट है यानी कि जो मल है वो चिपकना चालू हो जाता है, आपकी आंतों को सड़ाना शुरू कर देता है, आपकी आंतों को खराब करना शुरू कर देता है। और ऐसे में धीरे 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 जब ये चीज कंटिन्यू 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक कंटिन्यू रहेगी, या कुछ व्यक्तियों को गलत खान पान करने की थोड़ी ज्यादा रहती है तो वो इस चीज को जल्दी भी हासिल कर लेते हैं मोटापे को, तो ऐसे में देखिए जब ये चीज कई महीनों तक कई सालों तक कंटिन्यू आपके शरीर के अंदर में बैठ जाती है, यानी गैस बैठ जाती है, कब्ज बैठ जाती है, तो अंदर से चर्बी को मोटा करना चालू कर देती है। मोटापा बाहर कभी नहीं होता, ये चीज आप अपने माइंड से निकाल दो। मोटापा कभी भी बाहरी स्किन पे नहीं होता, कभी नहीं होता, ये अंदर की स्किन पे होता है। और जैसे जैसे गैस बढ़ेगी वैसे वैसे पेट फूलेगा धीरे 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 गुब्बारे की तरह। जैसे हम गुब्बारे के अंदर में हवा भरते हैं, यानी कि हवा क्या, गैस ही तो एक तरह की, जैसे हम गुब्बारे के अंदर में हवा भरते हैं गैस भरते हैं, ठीक वैसे ही जब हमारे पेट में गैस का स्तर जो है, गैस का लेवल है, वो धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो पेट क्या, गुब्बारा, वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये लॉजिक है इसके पीछे। तो यानी सबसे पहले में क्या करना, पेट में गैस नहीं बनने देनी है, पेट के अंदर में कब्ज नहीं बनने देनी है, आंतों को सड़ने नहीं देना है, आंतों को हमेशा क्लीन रखना है। इसके अलावा पाचन तंत्र को भी हमारे इतना मजबूत रखना है कि हम कुछ भी खाएं तो सब कुछ हजम हो जाए और गैस नाम की कोई भी चीज हमारे पेट के अंदर में ना बने। आज आपको मैंने लॉजिकली पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया है। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आई होगी। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर मान लो आपको गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, पेट फूल गया है, गुब्बारे जैसा बन गया, तो अब अगला काम क्या करना है। अगला काम आपने करना है पंसारी की दुकान से या फिर आयुर्वेदिक स्टोर से आपने एलोवेरा विनेगर यानी के एलोवेरा का जो सिरका है वो आपने लेके आना है 500 ml का, किसी अच्छे ब्रांड का आप लेके आइए। और साथ में आपने लेके आना मीठा सोडा, ये आपके अंदर की ऐसी सफाई करेगा। लेने का तरीका मैं बता रहा हूं। देखिए वीडियो में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कमेंट बॉक्स में ऐसा बोलेंगे कि मीठा सोडा हानिकारक है, ये है वो। देखिए हानिकारक हर चीज है, हानिकारक शराब भी है जो लोग पीते हैं, हानिकारक भोजन भी है जो आप खा रहे हो, भर के भोजन खा लीजिए आपका पेट में भारीपन हो जाएगा, वो भी हानिकारक है। इसलिए कहने का मतलब है कि कोई भी चीज अगर लिमिट में, जितनी लिमिट बताई गई है उतनी लिमिट में अगर आप सेवन करेंगे तो कभी भी उसका नुकसान नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपने क्या करना है, सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है। पहले दिन से गैस नहीं बनेगी, पहले दिन से एसिडिटी नहीं बनेगी, पहले दिन से खट्टी डकारें आना बंद हो जाएंगी, पहले दिन से आपका पेट खुल के साफ होगा, ये चीज ध्यान रखिए। और देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको 15 दिन के अंदर में चर्बी घटवा दूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस उपाय को करने से कितने दिन करना वो मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। देखिए पहला आपने क्या करना है, पहले आपने खाना खाने के जस्ट बाद यानी कि 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद एक गिलास थोड़ा सा गुनगुना पानी, एक गिलास थोड़ा सा गुनगुना पानी रखें, यानी कर ले पतीले में कर ले थोड़ा सा गुनगुना, ज्यादा गर्म नहीं करना है। अब एक खाली गिलास लेना है, खाली गिलास के अंदर में एक चुटकी मीठा सोडा डालिए, ध्यान से सुनिएगा, एक चुटकी मीठा सोडा खाली गिलास के अंदर, एक चुटकी बस, इससे ज्यादा नहीं, 1 चम्मच एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा विनेगर डाल दिया, थोड़ा झाग बनेगा, उसके अंदर में गुनगुना पानी भर दीजिए, पानी का गिलास भर दिया, खाना खाने के बाद में उसको पीना चालू करिए। आप पहले दिन से ये महसूस करें कि गैस नाम की क्या चीज थी भाई, मेरे को पता ही नहीं है गैस क्या है, पता ही नहीं चल पा रहा गैस नाम की कोई चीज भी मेरे पेट में थी, इतना हल्का महसूस करेंगे। और जिन व्यक्तियों को खाना खाने के बाद में पेट ऐसा लगता था कि पेट के अंदर कुछ बैठ गया है, कुछ भारी सामान मैंने रख दिया है, तो वो फील नहीं होगा आपको, इतना हल्का महसूस करेंगे। और दोस्तों इस उपाय को कंटिन्यू आप 2 से 3 महीने लीजिएगा, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं कि 10 से 15 किलो वेट आपका, यानी बढ़ा हुआ तौंद, बढ़ा हुआ फैट,
आपका 100% पिघल के अंदर की चर्बी को काट काट के काट काट के, आपकी सफाई, हाथों की सफाई करके, आपकी दिक्कतें मिटा के, आपके शरीर से मल के द्वारा सारी की सारी चीज बाहर करेगा। ये छोटा सा उपाय आपको इसको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ में दोस्तों आपने खराब चीजें, घटिया चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको भविष्य में हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।